अरे ये कैसा साबुन है, इसका जाग खत्म ही नहीं होता है। है व्हाट इज मेरे साथ जरूर कोई मजाक कर रहा है, पर आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, अभी बताता हूँ, अभी राइट हियर राइट नाउ, और तुझे इसी शैम्पू से नहलाता हूँ। पकेले नहाने से बचना है, अभी दिखाता हूँ नहाने से कैसे बचते हो तुम। रुक जाओ, अब बचकर कहाँ जाओगे पकेले। अरे अंकल देख के, नीचे भी लोग बैठे हैं। अरे ये कौन बोला? हैं? ये लड़का हमें कैसे दिख पा रहा है और ये इतनी खुजली क्यों कर रहा है? लगता है खुजली का पाउडर लगा के आया है। अरे थकेले, खुजली का पाउडर कोई खुद नहीं लगाता। ओ मतलब किसी दूसरे ने ये हरकत की है और बच्चे को तकलीफ दी है। तभी तो ये बालक हमें देख पा रहा है, यानी हमें करनी पड़ेगी बच्चे की मदद। क्या हुआ बालक, तुम्हारी बॉडी में इतनी खुजली क्यों हो रही है? टैटू की वजह से। तुमने बॉडी पे टैटू बनवाया? तुम्हें दर्द नहीं हुआ? कहाँ बनवाया और क्यों बनवाया? अरे असली टैटू नहीं, चिपकाने वाला टैटू जो स्टिकर वाला होता है। अच्छा, उससे खुजली हो गई? क्या बताऊँ अंकल, कल हम फ्रेंड्स ने टैटू कलेक्शन शो करने का प्लान बनाया था। आज मैं अपने टैटू लेकर घर की तरफ जा रहा था, तभी मुझे वहाँ पर बाबू मिला। बाबू तुम यहाँ इतने सारे टैटू लेकर क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम दोस्तों ने मिलकर टैटू कलेक्शन शो करने का प्लान बनाया है, और ये है मेरा कलेक्शन। वाव, तुम ही जीतोगे बाबू, क्या अच्छा कलेक्शन है। अरे नहीं, मुझसे अच्छा कलेक्शन तो उस नील के पास है, इसीलिए आज मैं उससे ऐसी डील करूंगा जिससे वो कल अपने टैटू शो करने आ ही नहीं पाएगा और मैं जीत जाऊंगा। और किसी को बताना मत, समझे ना? वो देखो अपना टैटू का बैग लेकर यही आ रहा है। अब तुम लोग सिर्फ मेरा इशारा समझना और मुझे फॉलो करना। हाय नीलू, मेरे पास कुछ नए टैटू आए हैं, सोचा तुम्हारे पास जो डबल है उसके साथ एक्सचेंज कर लूं, क्या कहते हो? अच्छा जरा दिखाओ। ये लो देखो ना। वाओ मस्त है। अरे सिर्फ देख क्यों रहे हो, ये लाओ मैं एक लगा भी देता हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दो बाबू, मैं घर में लगा लूंगा। अरे नो टेंशन, ये ले दूसरे हाथ पे तू लगा दे। एक इधर भी लगा देता हूँ। इसके डोले शोले पर भी लगा दे। हाँ हाँ लगा देते, थोड़े कम है पर हो जाएंगे। अरे वाह, आज तो मेरा टैटू कलेक्शन और बढ़ गया, कल तो सबको सरप्राइज मिलेगा। आई होप मेरा कलेक्शन बेस्ट होगा। अरे अरे ये क्या हो रहा है, मुझे इचिंग क्यों हो रही है? अब बाबू जहाँ जहाँ टैटू लगा है वहीं हो रही है। यस, अब ये नील के टैटू मेरे हो गए। उसने डेफिनेटली इचिंग पाउडर यूज किया था। लगता तो यही है, तभी तो तुम इतने परेशान हो। और तो और इसके टैटू भी ले गया। बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा बॉस। जरूर सिखाएंगे, और अपने दोस्त नीलू को उसका टैटू कलेक्शन भी वापस दिलवाएंगे। पर कैसे अंकल, वो सबको कहेगा सारे टैटूज उसने कलेक्ट किए हैं। उसकी टेंशन मत लो, फिलहाल तो तुम्हारी इचिंग ठीक होनी चाहिए। अरे वाह, मेरी इचिंग ठीक हो गई अपने आप। यस,
तो डम 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 चलो करे पाप खत्म। कल मेरा टैटू कलेक्शन देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक जाएंगे। फिर से मैं सबका लीडर बन जाऊंगा। कौन सा टैटू अपने बॉडी पर लगाऊं? कौन सा ये नीलू के यूनिक टैटूज हैं। कल इन्हें यही दिखाऊंगा। अपने टैटूज बॉडी पे लगा लेता हूँ। इसी टैटू कलेक्शन के लिए इस बालक ने ये बदमाशी की थी ना? यस भूत बॉस, अब ये टैटू ही इसे सबक सिखाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आइडिया है बॉस? अरे ये कौन सा टैटू है और मैंने कब कलेक्ट किया? मेरे पास भी इतने टैटू हो गए हैं कि मैं खुद भूल जाता हूँ। यही लगा लेता हूँ। चल मेरे चूहे, चल मेरी बिल्ली, अब हनी बी। सो जाता हूँ। गुदगुदी हो रही है, ये सब क्या है? नहीं 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 नहीं, मेरे कपड़ों में नहीं प्लीज। मम्मा, इस तरह मेरे कपड़ों की धजियां मत उड़ाओ। अरे बहुत गुदगुदी हो रही है, मत करो। मेरे कपड़ों से बाहर निकलो, ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। मेरे स्टाइल को मत खराब करो, मेरा स्टाइल मुझे बहुत प्यारा है, छोड़ दो। ये मेरा बेडरूम है, मुझे सोने दो। बच गया, अब सो जाता हूँ। अब ये कहाँ से आ गया? मेरे बेडरूम में मधुमक्खी कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ बचाओ, चुप करो, बंद करो, बाहर निकल। ये चूहा बिल्ली फिर आ गए, कहाँ गायब हो गए? मम्मी बचाओ। तुम तीनों चाहते क्या हो? मुझे सताना बंद करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। ये हो क्या रहा है? ये कौन हो तुम? हम टैटू वाले बंदे हैं दोस्त। जो इंसान टैटू के साथ गड़बड़ी करता है, हम उसे ऐसे ही सताते हैं। क्या? पर मैंने तो किसी को भी नहीं सताया। हमें सब पता है तुमने नीलू के साथ क्या क्या किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मैं तुम्हारी बॉडी पर दौड़ूं और मैं तुम्हारे सर की मालिश करूं, अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं उसे उसके टैटूज वापस कर दूंगा। और फिर कभी किसी को ईचिंग वाला पाउडर लगाओगे? हाँ,
नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं करूँगा। तब कल टैटू कलेक्शन में क्या करोगे? मैं नीलू के टैटूस उसे वापस करके सॉरी बोल दूंगा। ये हुई ना बात। नीलू, हमारे पास जितने टैटू स्टिकर थे हमने सब दिखा दिए, अब तुम अपना कलेक्शन दिखाओ ना। अरे कैसे दिखाओ, मेरा टैटू कलेक्शन तो बाबू के पास है। बाबू के पास तो उसका टैटू कलेक्शन होगा ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है दिखाने को? नहीं नहीं, उसके पास मेरा टैटू कलेक्शन है, उसे आने तो दो। हाय फ्रेंड्स, नीलू के सारे टैटूज मैंने छीन लिए। मुझे माफ कर दो नीलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। टैटू के लिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मेरे टैटूज कहाँ है? ये रहे। मेरा कलेक्शन। अरे वाह, व्हाट अ कलेक्शन। चलो थक्कू पक्कू, ये लोग तो खुश हो गए। अब मुझे ये बताओ कि मेरे सोने का इंतजाम कर गया है। बस यहाँ से 40 मील दूर पहला राइट मारने के बाद जो दूसरा लेफ्ट आता है उसके तीसरे चौराहे के चौथे कोने के पास पांचवी फैक्ट्री के चौथे माले पर एक भूत बंगला है, जिसकी चुड़ैल जैसी मालकिन ने आपके लिए एक स्पेशल कैबिन रखा है। हम भी लॉबी में सो जाएंगे। बस स्लीप स्लीप। वाओ, लेट्स गो।